हेलो गाइस, वेलकम टू स्टैंडर्ड टेक जेड। मेरा नाम बिलकुमार, और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि यहाँ पर मैंने इसे ओरियो में अपडेट कर दिया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो मेरे पास है J2 2016 का एडिशन। और अगर आपको भी करना है किसी भी मोबाइल में, चाहे वो J2 हो या J2 के बाद भी कोई दूसरा मोबाइल हो क्यों ना हो, सैमसंग के अलावा भी दूसरा मोबाइल क्यों ना हो, उसमें भी आप ओरियो बना सकते हैं अगर आपका वर्जन कम है तो। मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको दिख जाएगा। इसमें ओरियो का नोटिफिकेशन आपको पैनल दिख जाएगा। यहाँ पर मैं दिखा दूँ एडिट ऑप्शन में, इसमें आपको एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह आपको मिल जाएंगे ऑप्शन, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ, और आपको साइड में भी आपको नोटिफिकेशन का आइकन मिल जाएगा। और सबसे पहले मैं दिखा दूँ तो इसका UI इंटरफेस इस तरह का आता है। और मैं सबसे पहले आपको दिखाया था सेटिंग में, तो सेटिंग में आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि अबाउट फ़ोन मेरा एंड्रॉयड का 8.0.0.0 है, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। और यहाँ पर वर्जन मेरा 8.0.0 है, तो ये मेरा एंड्रॉयड ओरियो बन चुका है। और मैं सेटिंग आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाता हूँ नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस टाइप का आइकन। और मैं आपको दिखा दूँ बैटरी में, तो बैटरी में आपको 88% दिख जाएगा, यहाँ पर मेरा 88% है। और दिखा दूँ मैं आपको तो स्टोरेज में दिखाता हूँ आपको, स्टोरेज मेरे यहाँ पर आपको दिख जाएगा कितना GB खाली है, कितना GB खाली नहीं है। और बात करूँ साउंड, मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो गैस अब बताता हूँ कि आपको कैसे करना है और किस टाइप को करना है। तो सबसे पहले मैं डाउनलोड लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा जिस ऐप को मैंने आपको दिया है डाउनलोड करने को। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का आइकन दिया जाएगा, ओरियो फॉर J2 इंस्टॉल, कुछ इस तरह का आपको नाम मिल जाएगा। मेरा गूगल ड्राइव लिंक है, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद इसको क्या कीजिएगा, एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, इसे स्टेटस वॉलपेपर कर लेना है। तो यहाँ पर आप स्टेटस वॉलपेपर कर दीजिएगा, जैसे कि ये स्टेटस वॉलपेपर हो जाता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे, तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ओरियो UI मेरा एंड्रॉयड का APK है जो मैंने डाउनलोड किया था, और इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है सबसे पहले। तो मैंने तो अननोन सोर्स रखा है, इसे इंस्टॉल मतलब पहले से कर चुका है, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। मटेरियल नोटिफिकेशन सेट को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है कि ये पूरा का पूरा ओरियो लगे। गैस मैं आपको इसका ओरिजिनल सेटिंग दिखा दूँ, तो सेटिंग इसका ओरिजिनल यही रहेगा, बस का UI चेंज रहेगा। इसका मैं आपको सेटिंग का ऑप्शन चेंज रहेगा, लेकिन आपको बता दूँ। और अगर आपको लगाना है ऐसी कि ऐसा फील कराना है कि इसे ओरियो ही लगे, ये मतलब इसमें लॉन्चर वॉन्चर का मतलब ऐप ना दिखे, तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है किसी भी ऐप को, और यहाँ पर एडिट ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर जो विजिबिलिटी है इसे ऑफ कर देना है। जिसे आप इसे ऑफ करते हो वहाँ से वो गायब हो जाता है। तो आप ऐसे मटेरियल नोटिफिकेशन सेट को और ओरियो UI को आप ऐसे ही गायब कर दीजिएगा। और गायब करने के बाद मतलब कि आपका इंटरफेस जो है मतलब कि पूरा लगेगा कि ओरियो है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबा कर लेटेस्ट वीडियो को अपना बना लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।